नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटसी विन प्रोडिक्शन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं नीदरलैंड मोन्स वर्सेस जर्सी मोन्स के बीच जो तीसरा और अंतिम T20 मैच होने वाला है उसका शॉर्ट एनालिसिस और ड्रीम इलेवन टीम। तो दोस्तों, पहले मैच को कल हमने कवर किया हुआ था, वो मैच हमारा वन साइडेड अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुआ था। उसमें जो हमारे पास थे यहाँ से हाना लंदीर, जिनने पहले मैच में 3 विकेट निकाले। पहले मैच में इनका करीब 30% के आसपास सिलेक्शन था। आप जाके देख सकते हैं, कल जो मैंने पहले मैच कवर किया था उसका टीम मैंने टेलीग्राम पर दी हुई है, आप चेक भी कर सकते हैं। हमारी टीम में कल ये थी। इसके अलावा हमारे पास थी ईवा लिंच, जिनका 40% करीब सिलेक्शन था, ये भी मेरे अपोनेंट में काफी कम लोग लेके आए थे। इसके अलावा हमारी वाइस कैप्टन थी आयरिस ज्यूलिंग। तो इन सब प्लेयर्स की वजह से ना हमारा फर्स्ट मैच बहुत अच्छा गया था, और सेकंड मैच हमने कवर नहीं किया था क्योंकि मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि उसमें एकदम इंपॉर्टेंट प्लेयर इनके खेले नहीं थे। बहरहाल, इस मैच को फिर से मैं कवर कर रहा हूँ, और कल जैसे हमने वीडियो बनाया था वैसे ही टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन सीधे मुद्दे की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और जैसा कि पहला मैच हमारा गया था, आई होप ये मैच भी हमारा वैसे ही जाएगा। अब दोस्तों, पहले मैच का जो मैंने कल वीडियो बनाया था, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हैं, आपको चैनल के अंदर वीडियो मिल जाएगा। उस मैच में हमने क्या बोला था कि सीधे सीधे यहाँ पर जो फेवरेट टीम आपकी रहने वाली है नीदरलैंड में, उनकी टीम है, इनको ही ये मैच जीतना चाहिए, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और कल के आपने जो दोनों मैच देखे ना, दोनों मैच में नीदरलैंड ने वन साइडेड विन किया। पहला मैच करीब 70 रन से जीत रहे और लास्ट मैच में इनकी टीम 50 रन जीत के आ रही। तो यहाँ पर नीदरलैंड की टीम फेवरेट है, ये लोग पहले बैटिंग करेंगे तो आप इसी पिच के अंदर 140 के ऊपर स्कोर देखेंगे, और यदि पहले बैटिंग करेगी जर्सी तो 70-80 में चिमट जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, यदि पहले जर्सी की बैटिंग आती है तो आप नीदरलैंड के सारे बॉलर भर लो, साथ में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कवर करो। यदि नीदरलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज के साथ साथ आप इनके बॉलर्स को भी कवर करो। तो ये लॉजिक अपने दिमाग में रखिएगा और उस हिसाब से अपनी टीम को बनाइएगा। आप बैलेंस टीम बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है? तो टॉस का बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाली है। बहरहाल, मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी अभी क्या टीम बन रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं बी डी लिटे के साथ जाऊँगा। लास्ट मैच में नहीं खेला था, लेकिन इस मैच में यदि खेलेंगे ना तो आंख बंद करके हमको इनको ही लेना है, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर खेलती हैं और मजबूत टीम के कीपर हैं। यदि ये नहीं खेलेंगी तो नीदरलैंड की जो दूसरी कीपर है उनके साथ जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, मजबूत टीम का कीपर लोगे तो आपको कैचिंग और स्टंपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट मिलेंगे। बैटिंग सेक्शन से मैंने 3 प्लेयर लिए हैं। जी वेथराल मेरे पास है, जो कि कुछ और की बॉलिंग भी कर सकती हैं और टॉप ऑर्डर खेलती हैं जर्सी के लिए, नंबर 3 के आसपास खेलेंगे, तो इसलिए ये भी एक अच्छी पिक है। यहाँ से मैंने पी मोल केनबोर को लिया हुआ, जो कि नंबर 5 6 खेलती हैं, लेकिन 2-3 ओवर की बॉलिंग भी कर जाती हैं, इसलिए ये भी ठीक ठाक पिक है। अब तीसरा प्लेयर दोस्तों एस लंदीर है, जी पहले मैच में हमको 3 विकेट दिए थे, सेकंड मैच में 1 विकेट निकाला, सेकंड मैच में उन्होंने 1 ही ओवर की बॉलिंग करी। पहले मैच में मैंने नंबर ऑफ बॉलर काउंट किए थे तो मेरे को लगा था अच्छे खासा ओवर करना चाहिए, और पहले मैच में उन्होंने 4 ओवर पूरे डाले, तो इस वजह से मैंने ले गया। आज मैं अभी के लिए मैंने इनको रखा हुआ है, प्लेइंग 11 का वेट करूंगा, कितने बॉलर खेलते हैं, मुझे लगेगा 3 से 4 बॉलर डाल सकते हैं मेरी टीम में कंफर्म रहेंगी, नहीं तो फिर मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ बॉलर देखने पड़ेंगे कितने खेलते हैं। हालांकि जो लोग जीएल खेल रहे हैं ना, सीकर्स को जरूर ट्राई करेंगे, भाई बहुत अच्छी बल्लेबाज है और अभी तक दोनों मैच में उतना बल्ला नहीं चला है। ओपन करेंगी, जो रिस्क लेते हैं तो रख सकते हैं, ठीक ठाक ही ऑप्शन है। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने 5 प्लेयर ले लिए हैं। रिज के इंपॉर्टेंट है, ज्यूलिंग इंपॉर्टेंट है, ग्रीचन इंपॉर्टेंट है। अब मेरिट और लिंच में से आप किसी एक को प्रेफर करो ऐसे एप्लीकेशन पे जहाँ पे आप 4 ही ले सकते हो, लेकिन आप यदि ऐसे ऐप पे खेल रहे हैं ना जहाँ पे आप पिक कर सकते हो 5 ऑलराउंडर मतलब ड्रीम पे, तो भाई आप 5ों लेके जाओ, इनमें से आप किसी को बंद निकालिए, सारे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डेकलिन ने पॉइंट तो ठीक रख दिए हैं, लेकिन ये 2 ओवर की बॉलिंग दोनों मैच में कराई, इसलिए मुझे थोड़ा सा रिस्की लेंगी। बॉलिंग सेक्शन से मैंने 2 ही बॉलर लिए हैं। यहाँ से मेरी टीम में सी डी लिंगे हैं, जो कि 3-3 ओवर की बॉलिंग करके जा रहे हैं, इसलिए इनको मैं अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। दूसरा मैंने ई डब्ल्यू को अपनी टीम में रखा हुआ है। अब जो लोग ऐसे एप्लीकेशन पर खेल रहे हैं जहाँ पे 3रा बॉलर लेना है, वो लोग ट्राई कर सकते हो, 1-2 अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे जी मेलेट अच्छे स्पिनर हैं, इनको ट्राई कर सकते हैं। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम की फाइनल प्रीव्यू की, लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दूं, आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे 23,000 दोस्तों ने हमको ज्वाइन करके रखा हुआ है, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, तो आप भी जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा। और पहले T20 जो हम इस दोनों टीम का हुआ था उसको हमने कवर किया था, उसकी आप टीम भी वहाँ देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों फाइनल प्रीव्यू की। दोस्तों कैप्टन में करा हुआ है यहाँ से आयरिस ज्यूलिंग को, वाइस कैप्टन दोस्तों में रहने वाले हैं रॉबिन रिच के। अब दोनों ऐसे प्लेयर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, लास्ट गेम में रिचके ने बॉलिंग नहीं कराई थी, लेकिन आप आमतौर पर ऐसा नहीं होगा, आप अच्छे खासे ओवर इनसे देखेंगे, आप इनसे 3 ओवर के आसपास बॉलिंग देख सकते हैं। आयरिस ज्यूलिंग भी आपको 4 ओवर की बॉलिंग डालती हुई नजर आएंगी, लेकिन दोस्तों आयरिस ज्यूलिंग ओपन करती है प्लस अच्छी खासी बॉलिंग करती है, इसलिए कैप्टनसी की अच्छी ऑप्शन है। वहीं रिचके मिडल ऑर्डर खेलती है नंबर 4 के आसपास, बस कुछ ओवर की बॉलिंग कर सकती है, इसलिए उनको वाइस कैप्टन ने कर दिया है। अब स्मॉल लीग के अंदर तो दोनों सेफ है, आप स्मॉल लीग खेल लें 2-3 मेंबर तो आप इन्हीं के साथ जाएं, कैप्टन वाइस कैप्टन ज्यादा रिस्क मत लें। लेकिन जो लोग जीएल खेल रहे हैं वो बॉलर्स में नीदरलैंड के कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करेंगे, जैसे इवन लिच हो गया, आप इनको ग्रैंडलिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। इसके अलावा जो मेन बॉलर्स हैं जो अच्छी खासी बॉलिंग करके जा रही हैं, आप उनको भी जीएल में जाए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करिएगा। बहरहाल स्मॉल लीग की टीम में रही है, लेकिन इस टीम में यदि टॉस के बाद मैं कुछ अपडेट करूंगा तो जो मेरी फाइनल टीम होगी मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा। 23,000 दोस्तों ने ऑलरेडी हमको ज्वाइन करा हुआ है। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।